अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये पॉइंट जो है ये भी एक्स ही होगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं समथिंग लाइक नाम दे देता हूँ जेड, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा एक्स, ओके, ये हो गया हमारा जेड, और यहाँ पे मान लीजिए कि वाई है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाई है, ओके। अब हम कैपेसिटर्स को यहाँ पे लाते हैं। देखिए एक्स और जेड के बीच में ये कैपेसिटर है टू, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टू, ठीक है, ये टू वाला कैपेसिटर यहाँ लग गया। फिर से देखिए एक्स और जेड के बीच में फोर भी तो है ना, ये वाला, तो हम एक फोर भी लगा देते हैं यहाँ पे, ओके। अब देखिए जेड और वाई के बीच में क्या है, थ्री है, तो जेड और वाई के बीच में एक कैपेसिटर है थ्री यूनिट का, थ्री फैराड, राइट, थ्री फैराड का। और एक्स और वाई के बीच में, देखिए एक्स और वाई के बीच में कौन सा है, ये टू है ना, तो हम एक्स और वाई के बीच में एक टू लगा देते हैं, बस हो गया। अब हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ओके, एक्स और वाई के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हैं पैरेलल, तो ये वाला कितना था, ये टू और ये फोर, तो ऊपर का जो है ये फोर है। जेड और वाई के बीच में जो है वो कितना है, थ्री है, तो हम यहाँ पे थ्री लिख देते हैं, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में जो वो टू है, तो यहाँ पे फिर से टू। ये दोनों पैरेलल में हैं, यानी कि मैं इनको बोल सकता हूँ टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सिक्स। अब सिक्स और ये जेड के जो है ये क्या है, ये सीरीज में है, राइट, तो हम सीरीज में अगर है तो इक्विवेलेंट अगर निकाले, वन बाई सी ई क्यू इज इक्वल टू वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री, है ना, वन बाई थ्री, तो यहाँ से आता है ये सिक्स और ये कितना हो जाएगा, ये टू प्लस वन थ्री, ठीक है। तो यानी कि जो सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट वो हो जाएगा टू, ठीक है। अब देखिए हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो गया टू, ये एक्स, ये पॉइंट वाई, और ये एक्स वाई के बीच में भी फिर से टू, ठीक है। एक तो इक्विवेलेंट वाला टू आया और एक इसके साथ टू आया, तो दोनों टू टू, यानी कि हम लिख सकते हैं टू प्लस टू डायरेक्टली, है ना, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो टू प्लस टू मतलब हो गया फोर फैराड, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है।